हेलो स्टूडेंट एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में आज हम आ, हमारी हेडवर्ड जो बुक है उसका कॉम्प्रीहेंशन चैप्टर करेंगे कॉम्प्रीहेंशन में तीन हमारे कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए हैं और तीनों को हम इंक्लूड करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में तो फटाफट टाइम को बिना वेस्ट करे देखते हैं पहला जो कॉम्प्रीहेंसिव है हमारा वो क्या दे रखा है पहला जो कॉम्प्रीहेंसिव हमें दिया हुआ है वो है रिक्की टिक्की टवी यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर इसका नाम है इस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन का तो इस कॉम्प्रीहेंशन को अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन पू हमें यहाँ पे दिया गया है इसको पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक्चुअली uh, अगर हम इसको पढ़ने में टाइम बेस करने लगेंगे तो बेसिकली uh, हमारा फायदा क्या हुआ वीडियो को देख के एक्सरसाइज करने का वैसे मैं आपको बाद में सब तो वीडियो के लास्ट में इनको सॉल्व करने की uh, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता दूंगा जो आपको आगे जाके काम करेगी लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली इसके जो क्वेश्चन दे रखे हुए हैं उनको हम सोल्व करेंगे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है हु रिकी तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं मस्क रेड और तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ये ये जो है हमारा पहला हो जाता है सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है मैच द नेम विद द पीपल और एनिमल यहाँ पे पीपल और एनिमल्स के नेम को मैच करना है यहाँ पे लिखा हुआ है डेरजी मैंगोस यहाँ पे ये नेम्स जो रखे हुए हैं इनको हमें सॉल्व करना है ठीक है तो फटाफट पड़ से इनको देखते हैं कि ये किस टाइप से हो सकते हैं तो ये हो जाएगा डेरजी ट्रेलवर्ड यहाँ पे ये यहाँ पे मस्क टिकी टिकिट अभी मॉंगूस हो जाएगा हमारा डेडी जो है इंग्लिश वो है ठीक है तो इस टाइप से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट जो पार्ट हमें दिया गया व्हाट इज इज द स्मॉल हाउस और और कॉटेज एंड दैट सिंगल स्टोरी हैज अ सेकंड स्टोरी बुलट इन द आपका स्लोपिंग तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपार्टमेंट कॉटेज बंगलो और हार्ट तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो है बंगलो थर्ड आंसर थर्ड ठीक है एंड फोर्थ हमसे पूछा जा रहा है हमारा जो क्वेश्चन है आपका वट वॉज रिकी ये यहाँ पे क्या है एक एक छोटा सा जब बोला गया है एक आया है टिकी टिक तो इसके लिए हमें पूछा गया क्या है ये चुकंदस बैर क्राई है ये इंग्लिश मैन वॉर क्राई है ये डैजी की वॉर क्राई है या रिकी टबी की वॉर क्राई है तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा जो रिकी टिकी के ऊपर है तो आंसर भी सिंपल से रिकी टिकी की हमारी जो है वॉर क्राई है नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हाउ डिड रिकी टिकेट सेटेड फ्रॉम हिस्सि बिकॉज ऑफ दिस हाई समर फ्लोट बिकॉज ऑफ द टॉन्डिन बिकॉज ऑफ द हैपी स्नो फॉल बिकॉज ऑफ द ड्रॉड तो यहाँ पे हमसे कहा आंसर जो हमारा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई समर फ्लोट की वैसे क्या हुआ था वो सेपरेट हो गया अपनी फैमिली से नेक्स्ट जो हमारा एफ वाला पार्ट है कहा जा रहा है वेयर डिड रिकी टी टी फाइन हिमसेल्फ आफ्टर ही वॉज वॉस्ड आउट ऑफ इस द वो तो यहाँ पे होगा इन अ बाथरूम इन अ ऑफ गार्डन पाथ इन दिडल ऑफ द पाथ इन द मिडिल ऑफ अ ऑशियन तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ द गार्डन पाथ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमसे कहा जा रहा है विद व्हाट डज द ऑथर वॉट डर टवीज टेल उसकी पूछ को किससे कंपेयर करता है अ बोटल ब्रशल ब्रश तो आंसर हमारा हो जाएगा अ बोटल ब्रश उसे जो है कंपेयर कर रहा है एच हमसे कहा गया टी टी वाइफ तो यहाँ पे इंग्लिश आ, इंग्लिश मैन इंग्लिश बॉय डेजी दर्जी जो है और इंग्लिश बॉयज मदर है तो आंसर होगा द इंग्लिश बॉयज मदर नेक्स्ट आई हमसे पूछा गया व्हाट इज द मोटो ऑफ द मोंगूज फैमिली मोंगोज फैमिली की जो का जो मोटो है आ, वो क्या है स्क्रैच एंड रन फ्लॉप एंड ड्राई वॉन एंड रन रन एंड फाइंड आउट तो आंसर होगा रन एंड फाइंड आउट एंड लास्ट लास्टर जो जे वाला क्वेश्चन जे सारी के भी है राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला बिकॉज दैट वॉज रिकी टकी टीज वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एंड लास्ट जो के वाला दिया है ब्लैंक एज स्कल थ्रो द लॉन्ग ग्रास मीन तो यहाँ पे यहाँ ऑप्शन है वॉक थ्रो क्रीप स्लोडी थ्रोट रिन विद क्विक शॉर्ट step और ग्लिट through आंसर हो जाएगा rain विद क्विक शॉर्ट step तो यहाँ स्टेप से आप इसे कंप्लीट कर लेते हो इसी हिसाब से हमारा नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव टू हमसे पूछा गया है वो है हमारा वार्न अगेन इसका नाम है वार्न अगेन इसके फटाफट फ़ड़ से क्वेश्चन देखते हैं पहले इसको अगर आप देखोगे तो ये मैच कर सकते हो ये आपकी बुक का ही लिया हुआ है Uh, इसके बाद हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जा रहे हैं वो क्या है पहला क्वेश्चन है विच ट्रेन डिड द अर्नुमा सिंह वोट फ्रॉम लखनऊ यहाँ पे अगस्त क्रांति एक्सप्रेस लखनऊ शताब्दी पदमावत एक्सप्रेस और पदमावती एक्सप्रेस चार नाम हमसे कहे कौन सी ट्रेन से वो जो है उन्होंने वोट किया था लखनऊ के लिए तो ये हो गया पदमावत एक्सप्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइंग टू नोएडा क्यों जा रही थी वो एपे टू फर्स्ट टैक्स कंडक्टेड बाई द सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स टू एपे फॉर दंडक्टेड बाई ए आई ए एम टू एपे फॉर द टेस्ट कंडक्टेड बाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टू मेच द पाल तो उसका जो राइट आंसर होगा टू एपे फॉर द टेस्ट कंडक्टेड बाई द सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स ठीक है एंड थर्ड हमसे पूछा जा रहा है वाई वॉज दोस्ट ऑफ द मूविंग ट्रेन बाई थी यहाँ पे क्या हुआ

कट ऑफ लिम्ब बाई सर्जिकल ऑपरेशन क्या होता है मतलब एक पर्टिकुलर किसी पार्ट को जैसे उनका जो पैर था जैसे हमने लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पे देखा था कि दे हर लेफ्ट लेग उनकी लेफ्ट लेग को उन्होंने काट के दूसरा जो है लकड़ी का या को, कोई मेटल्स का पैर लगा दिया था तो amipod, जो एम्यूपेड का मतलब क्या होता है कट ऑफ काट देना एक किसी लिम को बाई सर्जिकल ऑपरेशन मतलब किसी भी एक लिम को काट देना सर्जिकल ऑपरेशन से और वहां कोई मेटल का बोर्डन का एक पर्टिकुलर हमारा जो बॉडी ऑफ पार्ट है उसको डेक कर देना एंड नेक्स्ट वेयर डिड द एक्सीडेंट अक एक्सीडेंट कहाँ हुआ था अबाउट फिफ्टीन किलोमीटर फॉर फ्रॉम द बरेली रेलवे स्टेशन हो बरेली रेलवे स्टेशन जो कि हमारे uh, मेरा बहुत नियर बाई रेलवे स्टेशन पड़ता है आपका नियर बाई रेलवे स्टेशन क्या है जरा कमेंट में बताना मेरा सबसे नियर बाई रेलवे स्टेशन पड़ता है बरेली एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डिड अरनुमा सिंह डिसाइड टू डू आफ्टर द रिकवर्ड रिकवर्ड होने के बाद उन्होंने क्या किया था सी डिसाइड टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ने की ठान ली थी ठीक है अर्नुमा सिन्हा अगर आप इस पर्टिकुलर पैसेज पढ़ते हो तो क्या है ये सबसे पहली एमुलेटेड या, या हैंडी जो है मतलब सबसे पहली महिला है जिन्होंने जो हैंडी होने के बावजूद मतलब विकलांग होने के बावजूद भी एक माउंट एवरेस्ट पर जो है कवर किया था वरना सबसे पहला अगर नाम आता है तो बछिंद्री पाल का आता है

एंड नेक्स्ट हमारा पूछा गया आई वट इज द करेक्ट ऑर्डर टू इनफॉर्मेशन गिवन लो ये इफॉर्मेशन हम सब कही जा रही है इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है यहां ऑप्शन में दिए हैं फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ तो इनका जो करेक्ट ऑर्डर हम बताएं तो ये होगा फोर्थ सेकंड इसका फोर्थ ऑप्शन है ये जो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो ऑप्शन के लिए काउंट किया जा रहा है ये फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है तो ये आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना ये फोर्थ इंक्लूड करने की उतनी है मैंने यहाँ पे ये जो फोर्थ पार्ट वाला पार्ट है वो इंक्लूड क्यों, क्यों किया हुआ है क्योंकि ये जो है डिफरेंट है क्योंकि ये इसका नंबर है क्या है नंबर है तो हमारा नेक्स्ट जो फोर्थ वाला जो पार्ट है वो होगा Right? नेक्स्ट जो हमसे कहा गया विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर ऑफ अर सिंह इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट हम दिया गया वन आई वॉज इन हॉस्पिटल एवरी वन वॉज बरीट अवॉर्ड मी एंड रियलाइज दैट आई हैड टू डू समथिंग इन माई लाइफ सो दट पीपल वुड स्टॉप लुकिंग एट मी विद पिटी उन्होंने कहा कि मतलब सब लोग बहुत उनके दया दृष्टि से देख रहे थे सिंपैथी उन पर देखा रहे थे वो क्या मैं ऐसा करूँ की लोगों की सिंपैथी खत्म हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए केयरलेसनेस नेग्लिडेंट डेटर माइंड पर्पसलेस स्ट्रॉन्ग एंड पावर एंड स्पोनिटीज तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन हैं तो यहाँ पे आंसर हमसे पूछा गया फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फर्स्ट सिक्स एंड थर्ड यहाँ पे थर्ड एंड फिफ्थ तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हमारा जो थर्ड ऑप्शन है सेकंड सिक्स थर्ड एंड फिफ्थ ठीक है ये थर्ड वाला ऑप्शन सेकंड में क्या है हमसे वो थी सिक्स में रीज थी थर्ड जो है डेटरमाइन थी एंड फिफ्थ जो है स्ट्रॉन्ग एंड पावर थी तो ये ऑप्शन उनके उसको कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं ठीक है तो नेक्स्ट जो हमसे पूछा जा रहा है हमारा जो तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव है वो है द यंग डायरिस्ट ये जो है आ, हमारी एनी फ्रैंक के बारे में है। ये इसको मैंने नहीं लिखा है डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस लिखे, लिखे हुए हैं थोड़ा टाइम में आपको आपका बचा, बचा, बचा सकूं तो पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज एनी फ्रैंक वाज बोर्न ये चैप्टर आप टेंथ क्लास में पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप जब टेंथ क्लास में पहुंचोगे तो टेंथ क्लास में आपको फोर्थ चैप्टर है ठीक है तो यंग डायरिस्ट नहीं है तो या डायरी ऑफ अंगल के नाम से ये जो पर्टिकुलर चैप्टर आपका आपको मिलेगा तो उसका जो राइट आंसर होगा ट्वेल्थ जून नाइनटीन ट्वेंटी इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सेकंड की बात करें वेन डिड द जर्मनी आर्मी इन्वेटेड द नीदरलैंड तो यहाँ पे कब उन्होंने इन्वाइट किया था कब हमला किया था तो टेंथ मई 1940 को ठीक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है वट डिड द एनीस्पेरेंट गिव हर द दर्टीन बर्थडे क्या दिया था एक रेड रेड फ्लैग दिया था रेड फ्लैग कंक्र डायरी दी थी इना कॉन्ड डायरी दी थी अब ब्लू डायरी तो आंसर रेड द कॉन्ड डायरी उन्होंने उनको गिफ्ट की थी एंड डी वाले ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है होम डिड एनी एड्रेस एस के है अपनी डायरी को बोलती है तो आंसर हमारा हर हाँ डायरी आ जाता है एंड ई e में वट इज द मीनिंग ऑफ द कन्फाइन कन्फाइन का मीन्स क्या दे रखा है ऑप्शन याद ये हुए हैं लेकिन राइट आंसर होगा ट्रस्ट सममन इनफ टू टेल दैम आर सीक्रेट क्योंकि हम सभी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको अपना सीक्रेट जो है हम डिस्कस कर सकें अपनी मतलब एक ट्रू फ्रेंड चाहिए हम अपनी सारी चीजों को डिस्कस कर सकें एंड एप जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वेअ द फ्रेंक फैमिली हाइट फ्रॉम द नाजीज ठीक है तो यहाँ पे एट डेयर तो हो ऐट द ऑटो फ्रेंक्स कंपनीज बिल्डिंग एट द फ्रंट ऑफ ऑटो फ्रेंस कंपनी बिल्डिंग इन द बेसमेंट ऑफ ऑटो फ्रेंक्स कंपनी बिल्डिंग तो आंसर्स हमारा होगा एट द बैक ऑफ द ऑटो फ्रेंक्स कंपनी बिल्डिंग ठीक है ये सेकंड वाला है एट द बैक ऑफ द ऑटो फ्रेंक्स कंपनीज बिल्डिंग ऑटो फ्रेंक कौन है उनके फादर हैं वैन डिड द नाजीज अरेस्ट इज फ्रैंक फैमिली कब उनकी फ्रैंक फैमिली को अरेस्ट किया था तो वो ऑन फोर अगस्त 1944 को उनकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया था तो बाद क्या होता था सारे जो नाजीज जो थे, थे वो क्या करते थे वो जितने भी यहूदी लोग हुआ करते थे जितने ज्यूइस लोग होते थे उनको पकड़ लेते थे तो एनी फ्रेंक भी ज्यूइस थी और उनको जो है गैस चेंबर में लग कर छोड़ देते थे जो मतलब बहुत कम लोग उनसे बच पाते थे एनी फ्रेंक भी उनकी भी डेथ वहीं हो गई थी एंड वेयर वॉज द कैम्प रेस्ट्रोवर्क लोकेटेड हमारा ये रेस्ट्रोव जो जहाँ कैंप था ये कहाँ पर था ये ईस्ट जर्मनी में था नॉर्थ ईस्ट में था कहाँ पर था तो सेकेंड ऑप्शन आएगा इन नॉर्थ ईस्ट नीदरलैंड में ये जो इसको ये कैंप बनाया गया था आएगी अगर हम बात करें हु वॉज द वन ओनली इन द द्रेंक फैमिली सर्वाइव कौन जो है फ्रेंक फैमिली में बचा था तो उनके फादर बचे थे ऑटो फ्रेंक जिन्होंने बाद में उनकी डायरी को पब्लिश कराया था है ना जो ऑटो फ्रेंक है तो इसी के साथ ये जो है पर्टिकुलर ये कॉम्प्रिंसिव वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहीं के साथ आपसे बता लेने का समय आता है अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया शेयर नहीं करा दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर कराए तो हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी क्योंकि कल एक बच्चे ने कमेंट किया था और आज मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं तो इतना जल्दी रेस्पॉस आपको कहीं और नहीं मिलता तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू